स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो रेस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वीडियो. इन माय फर्स्ट वीडियो आई कवर्ड फ्रॉम हियर टू दिस पैराग्राफ. लेट मी शो यू. यस मिस्टर डिक सीम टू बी परप्लेक्स्ड. डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कैसे डेविड के स्टेप फादर उसके साथ ट्रीट करते थे और किस तरीके से उसको लंदन के फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा. डेविड वहाँ से चल कर के कार्ड के द्वारा बाय फुट अपने आंट सी के घर तक पहुँचा. डे स्टूडेंट यहाँ बेटसी उसकी आंट, आंट से मतलब उसकी बुआ हैं, क्योंकि बेटसी का वह नेफ्यू है. यहाँ पे नेफ्यू का मतलब भतीजा होता है, तो डेविड की बेटसी बुआ कहलाएंगी. सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं. मिस्टर डिक सीम टू बी परप्लेक्स्ड बट मिस बेटसी कंटिन्यू टू स्पीक वेल. दिस इज माय नेफ्यू एंड ही हैज़ रन अवे. नाउ व्हाट शुड वी डू विथ हिम. बेटसी ने बताई डिक से, यह मेरा नेफ्यू भतीजा है और यहाँ पर भाग कर आया है, और मैं किस तरीके से अब इसके साथ ट्रीट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सजेस्ट मी. डिक सजेस्टेड दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन अ बाथ. डिक सजेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको स्नान करवाना चाहिए. द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई एकिंग लिम, कि स्नान करने से मेरे सारे दर्द दूर हो गए. आई वॉज क्लोथ इन अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ने शर्ट और ट्राउजर पहना दैट बिलोंग टू मिस्टर डिक, जो कि मिस्टर डिक का था. देन आई वॉज कवर्ड इन टू ग्रेट शॉल विथ वार्म माई बॉडी, फिर हमने दो बड़े बड़े शॉलों से अपने आप को ढका, कवर किया. आई फेल इन टू अ डीप स्लीप एंड आई वॉज वोकन अप एट डिनर टाइम, और मैं लेट गया, मैं सो गया और उसके बाद में डिनर टाइम पर ही उठा. द डिनर वॉज अ ट्रीट एज आई हैड नॉट टेस्टेड गुड फूड फॉर लॉन्ग, मेरे लिए एक इलाज था क्योंकि काफ़ी समय से हमने एक अच्छा भोजन नहीं किया था, अच्छा डिनर नहीं किया था. आई नरेटेड माई अगोनाइज्ड पास्ट टू माई ऑन इन एज मच डिटेल एज आई पॉसिबल कुड, मैंने अपनी पुरानी आप भी थी अपनी आंट मिस बुआ को बताया. आई वॉज डीपली एन एक्सेस रिगार्डिंग माई फ्यूचर बट आई चोज नॉट टू टॉक ऑफ इट दैट नाइट, मैं अपने भविष्य को लेकर काफ़ी एनेक्सियस था, काफ़ी वरीड था, चिंतित था, लेकिन मैं उस रात अपनी आंट से सारी बातें नहीं बताई. नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट आंट बेस्टी हैड रिटन टू माई स्टेप फादर्स अबाउट माई प्रेजेंस इन हर हाउस, अगले दिन हमने सुना कि आंट बेस्टी ने मेरे स्टेप फादर से को मेरे यहाँ पर प्रेजेंस होने का लेटर के माध्यम से स्टेप फादर को दिया है. स्टेप फादर को एक लेटर लिखकर बताया है कि मैं अपने आंट के यहाँ हूँ. द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी एंड टेकिंग मी बैक वॉज अगोनी, स्टेप फादर के द्वारा मुझे ट्रेसिंग करना एक तरीके से और भी अधिक दर्द पहुँचाने वाला था. The days that followed were spent in a state of anxiety. So, उस दिन मेरी चिंता और बढ़ गई थी. Fortunately, Mr. Dick grew fond of me. सौभाग्य से Mr. Dick हमको बहुत पसंद आते थे. And I got to spend some time with him. अब हमने अपना कुछ समय उनके साथ बिताया. The memorable moment that I shared with Mr. Dick, whom passion for flying kites was unsurmountable. हमने कई ऐसे क्षण मिस्टर डिक के साथ बिताए, उनमें पतंग
बाजी भी थी क्योंकि पतंग उड़ाना मिस्टर डिक को भी काफ़ी पसंद था। सर माई डबल्स इजी माई डिस्कम्फर्ट ऑफ सम एक्सटेंस। डियर स्टूडेंट, इन सर माई डबल्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से मैंने अपनी पुरानी तकलीफ़ों पर विजय प्राप्त कर लिया था, मीन्स अपने पुराने दर्द को इस खेल के द्वारा हमने भुला दिया। आगे बढ़ते हैं। वन डे मिस बेस्सी आस्क मी व्हाट डू यू थिंक्स ऑफ डिक। तुम डिक के बारे में क्या जानते हो, क्या सोचते हो। आई रिप्लाइड इज वेरी नाइस। मैंने उत्तर दिया बहुत ही अच्छे हैं। मिस बेट्सी देन इन्फॉर्म मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ हर। फिर मिस बेट्सी ने बताया ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इनसेन बाई हिज ओन ब्रदर। और ये अपने भाई के द्वारा ही पागल घोषित कर दिए गए हैं। मिस बेट्सी हैड कम टू हिज रेस्क्यू। और बेट्सी ने उसका बचाव किया है। एंड गॉट हिम होम। और बचाकर उसको अपने घर लाई। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विथ हर फॉर द पास्ट 10 ईयर। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट डिक्रीज्ड मैनीफोल्ड। जब मिस्टर डिक बेट्सी के साथ पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं तो मेरा सम्मान अपनी बुआ के लिए, मिस आंट के लिए, और भी अधिक बढ़ गया था। द नेक्स्ट डे मिस्टर मर्डस्टोन रोड इन टू द गेट विथ हिज सिस्टर मिस मर्डस्टोन। अगले दिन मिस्टर मर्डस्टोन, स्टूडेंट आप जानते हैं, उसके डेविड के स्टेप फादर हैं, सौतेले पिता हैं। मिस्टर मर्डस्टोन अपनी सिस्टर मिस मर्डस्टोन के साथ वहाँ आ जाते हैं। मिस बेट्सी फर्स्ट रिप्रोच्ड मिस मर्डस्टोन फॉर अलाउिंग हर डंकी टू ट्रैम्पल्स द एज ऑफ हर लॉन। हियर रिप्रोच्ड मीन्स होता है इंसल्ट, क्रिटिसाइज। पहले तो मिस बेट्सी ने उनका क्रिटिसाइज किया, अपमान किया। फॉर अलाउिंग हर डंकी टू ट्रैम्पल्स द एज ऑफ हर लॉन। स्टूडेंट, यहाँ डंकी का मतलब डेविड से लिया गया है, मिस बेट्सी। इसलिए मर्डस्टोन ने उस बच्चे को मेरे यहाँ भेज दिया था। इट मीन्स इतना अधिक परेशान कर दिया था वो मेरे यहाँ चला आया, उसको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। देन आफ्टर देन सी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर। फिर बेट्सी ने, मीन्स मेरी बुआ ने, मुझे विजिटर मीन्स दोनों, मिस मर्डस्टोन एंड मिस्टर मर्डस्टोन के पास बुलाया। मिस्टर मर्डस्टोन एक्सप्रेस हिज ग्रेट डिसप्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर। अब मिस्टर मर्डस्टोन मेरे बिहेवियर को देख करके नाखुशी जाहिर करते हैं। ही सेड दिस बॉय हैड कॉज मच ट्रबल्स इन द पास्ट। और कहा इस बच्चे ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है, इसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ही हैज़ ए रिबेलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर। रिबेलियस मीन्स होता है विद्रोही, जो किसी की आज्ञा का विरोध करे। तो उन्होंने बताया यह एक विरोधी किस्म का बच्चा है और बड़ा ही वायलेंट टेम्पर है, मीन्स बड़ा ही उग्र स्वभाव का है। वी हैज़ ट्राइड टू करेक्ट हिज वाइसेज बट ऑल इन वेन। हमने इसको काफ़ी सुधारने का प्रयास किया। वाइसेज मीन्स होता है स्टूडेंट बुराइयाँ, इसकी बुराइयों को सुधारने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सारा सब कुछ इन वेन रहा। इन वेन मीन्स सारा प्रयास व्यर्थ रहा। इन द टर्म माई आंट ऑक्स If he had been your own boys, would you have beaten him? तभी आंट ने पूछा कि अगर यह आपका बच्चा होता तो क्या आप इसको पीट दे। And sent him off a house in London at such a tender age। और
उसको लंदन की फैक्ट्री में इस नाजुक उम्र में भेजते रेस्टोरेंट। आंटी डेविक की बुआ काफ़ी गुस्से में हैं और खुद क्वेश्चन करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिस मर्डस्टोन रिप्लाइड शार्पली। अब मिस मर्डस्टोन उत्तर देती हैं, ये कौन है? ये सिस्टर हैं, मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर हैं। इफ़ ही हैड बीन माई ब्रदर्स ओन सन हिज करेक्टर वुड बीन वेरी डिफरेंट। मिस मर्डस्टोन ने कहा, अगर यह मेरे भाई का बच्चा होता, बेटा होता, तो इसका करेक्टर कुछ अलग ही होता। मिस्टर मर्डस्टोन एडेड दैट ही वुड टेक मी बैक एंड एक्सपोज मी एज ही टॉट राइट। मिस्टर मर्डस्टोन ने कहा कि इसको मुझे वापस करिए, मैं इसको सही राह पर ला सकूं, इससे आपका पीछा छूट ले। माई आंट सिंपली इन्फॉर्म द टू विजिटर दैट सी हैड नो इंटेंशन ऑफ सेंडिंग मी बैक विद देम। मेरी आंट, मेरी बुआ ने साफ साफ उनको बताया कि उसका इरादा मुझे वापस करने का बिल्कुल नहीं है। इंस्टीड सी हैज डिसाइडेड टू बी माई गार्जियन, बल्कि उसने निश्चय किया है वही मेरी अब गार्जियन रहेगी। बिफोर मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन लेफ्ट, मिस बेट्सी से गुड बाय सर, गुड डे सर एंड गुड बाय। मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन के जाने से पहले बेस्टी ने उनको अलविदा कहा। लुकिंग एट मिस मर्डस्टोन सी एक्सक्लेम्ड, और मिस मर्डस्टोन की तरफ देखते हुए बेस्टी ने बोला, एंड गुड डे फॉर यू मैम। मैम आपका दिन अच्छा हो। लेट्स सी यू राइड अ डंकी ओवर माई ग्रीन ग्रीन अगेन एंड आई विल नॉक योर बोनट ऑफ योर हेड एंड ट्रीट अपॉन इट। बेट्सी ने मिस मर्डस्टोन को बताया कि मैम अब देखिएगा मैं कैसे इस गधे का बोनट टाइट करती हूँ और इसको सबक सिखाती हूँ, किस तरीके से इसको इम्प्रूव करूँगी। वंस द मर्डस्टोन हैड लेफ्ट माई आंट टर्न टू मिस्टर डिक एंड सेड। मिस्टर मर्डस्टोन के चले जाने के बाद मेरी आंट मिस बुआ मिस्टर डिक की तरह मुड़ती हैं एंड सेड, बोली, विल यू कंसीडर बींग डेविड्स गार्जियन ज्वाइंटली विथ मी। क्या आप मेरे साथ डिक का गार्जियन बनना चाहेंगे? मिस्टर डिक स्माइलिंगली रिप्लाइड, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द गार्जियन ऑफ सच ए ब्राइट यंग मैन। जैसे खुशहाल नौजवान का गार्जियन बनना पसंद करूँगा, यह मेरा सौभाग्य होगा, ऐसा मिस्टर डिक ने बोला। विथ अ डीप साई माई आंट सेड, देन दैट्स वेल सेटल। तो फिर ठीक है, मामला सेटल होता है, मीन्स अब से हम दोनों इसके गार्जियन हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम्स। अब मैं बहुत खुश था, अपनी आंट मीन्स अपनी बुआ को गले लगाया, गले से लगा और किस भी किया कई बार। आई शूक हैंड विथ मिस्टर डिक रिपीटली, मिस्टर डिक से कई बार मैंने हाथ मिलाए। आई वॉज डिला